बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से HBCL बैंक की हैसियत आंकने और ग्राहकों को सिर्फ 1 लाख की रकम वापस करने की सूचना के बाद बैंक की शाखाओं में हड़कंप मच गया। उन्नाव में भी ग्राहकों ने बैंक परिसर में जमकर हंगामा किया। बैंक के ग्राहक अपनी छोटी से छोटी पूंजी भी बैंक से बाहर निकाल रहे हैं। फरुखाबाद में बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि से हुए नुकसान का सर्वे किया गया। कायमगंज तहसील में करीब 4 करोड़ रुपए का मुआवजा दिलाया जाएगा, जो कि किसान सर्वे के बाद वांछित रह गया है। फतेहपुर में व्यापारी से 8,90,000 की लूट। बदमाशों ने ललौली थाने के बंधवा तिराहे के पास व्यापारी की गाड़ी रुकवा कर घटना को अंजाम दिया। कानपुर जा रही थी व्यापारी की गाड़ी। रामपुर के टांडा थाना क्षेत्र में नाबालिग लड़की से गैंगरेप की वारदात सामने आई है। पीड़िता ने डॉक्टर और उसके 3 साथियों पर गैंगरेप का आरोप लगाया है। पीड़िता की शिकायत के बाद आरोपी डॉक्टर को गिरफ्तार कर लिया गया है। अमेठी जिले के संग्रामपुर थाना इलाके में उस समय हड़कंप मच गया जब दहेज की लालच में एक विवाहिता की गोली मारकर हत्या कर दी गई। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। यूपी के शामली में 4 दिन पहले नाबालिग से गैंगरेप के मामले में पुलिस के हाथ अभी तक खाली है। परिजनों का कहना है कि पुलिस काफी सुस्त तरीके से मामले में कार्रवाई कर रही है, जिसके चलते अब तक कोई भी आरोपी पकड़ में नहीं आया है। वहीं परिजनों ने दोबारा रेप की आशंका के चलते पीड़ित लड़की को जंजीरों से बांध। नमस्कार, साधना न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम वंदे मातरम। वंदे मातरम में आज हम चर्चा कर रहे हैं किसान किस्मत और कूटनीति की। जिस देश की 70% आबादी किसानों की हो और वहां का किसान भूखमरी को मजबूर हो और आत्महत्या करने को मजबूर हो, तो निश्चित तौर पर सोचना चाहिए कि कुछ नीतियों में खोट है और उस नीतियों को बदलने की जरूरत है। जी हां, हम बचपन से पढ़ते आते हैं कि भारतीय मानसून जो है वो किसानों के साथ या कृषि के साथ जुआ है, लेकिन इस जुआ से निपटने के लिए आज तक किसी भी सरकार ने किसी भी तरह की कोई कानून या कोई फार्मूला अब तक जो है सामने नहीं लाया, जिसके आधार पर इस जुए से बचा जा सके। जी हां, भारत का किसान यह जुआ खेलने पर मजबूर है और आत्महत्या करने को मजबूर है। आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे और इस चर्चा में हमारे साथ मौजूद होंगे स्टूडियो में रविंद्र भाटी, जो कि किसानों के नेता हैं, और हमारे साथ बीजेपी के सांसद उदित राज दिल्ली से जुड़ेंगे। इसके अलावा लखनऊ से हमारे साथ जुड़ेंगे नावेद सिद्दीकी जी, और उसके बाद दिनेश दुबे जी भी वो हमारे साथ बीजेपी के नेता हैं उत्तर प्रदेश के, वो भी हमारे साथ जुड़ेंगे। और इसके अलावा कांग्रेस के नेता ज्योति सिंह भी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ेंगे। इसके बाद बाकी नेताओं भी हमारे साथ लगातार जुड़ते रहेंगे बारी बारी से, लेकिन फिलहाल बढ़ाते हैं इस चर्चा को आगे। चर्चा की शुरुआत करते हैं और शुरुआत में सबसे पहले चलते हैं लोकसभा, जहां आज राहुल गांधी छुट्टी के बाद जब लौटे हैं तो थोड़े बदले तेवर में नजर आ रहे हैं। आज उन्होंने किसानों पर चर्चा की और जो भूमि अधिग्रहण बिल है उस पर चर्चा की और सरकार पर तीखे हमले भी किए। आप लोगों की सरकार उद्योगपतियों की सरकार है, वो सब जानते हैं, हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं। बड़े लोगों की सरकार है, सूट बूट की सरकार है, वो हम समझते हैं। ओला पड़ा, बारिश पड़ी और किसान का नुकसान हुआ। 14 स्टेट्स में नुकसान हुआ है, 40,000 करोड़ रुपए नुकसान हुआ है। देश के प्रधानमंत्री कहते नहीं, जो एक्सपर्ट्स कह रहे हैं वो गलत हैं। मैं जानता हूं 106 लाख हेक्टेयर पर असर हुआ है। उसके बाद आपकी एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री कहती है नहीं भैया, प्रधानमंत्री जी गलत कह रहे हैं, 80 हेक्टेयर इफेक्टेड है। ये थे राहुल गांधी, जो कि आंकड़ों के साथ आज पहली बार लोकसभा में बोलते नजर आए भूमि अधिग्रहण बिल पे, लेकिन आंकड़ों में कुछ कमी नजर आई बीजेपी के। बीजेपी के नेता और कृषि मंत्री राधामोहन सिंह ने आंकड़ों पे सफाई दी, पहले उनको भी सुन लेते हैं, फिर हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारी सहयोगी रचना मिश्रा भी हमारे साथ है, वो बताएंगी आपको कुछ आगे कहा, लेकिन पहले सुनते हैं राधामोहन सिंह ने क्या सफाई पेश की। एजेंसी ठीक नहीं रही होगी, ये 180 लाख हेक्टेयर
का नुकसान राज्य सरकारों ने बताया था। फिर राज्य सरकारों ने 106 लाख हेक्टेयर का बताया था, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने जब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पर बात की तो राज्य सरकारों ने 80 लाख हेक्टेयर बताया था। कृपया इसको सुधार कर, कृपया इसको सुधार कर। और आपको बताते हूं कि आखिरकार जो किसानों से जुड़ी आत्महत्याओं का आंकड़ा है वो कैसे दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। ग्राफिक्स के जरिए मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगी। आपको बता दें कि 2014 में कुल 1981 किसानों ने मौत को गले लगा लिया था। वहीं साल 2014 में विदर्भ क्षेत्र की बात करें तो 1097 किसानों ने खुदकुशी कर ली थी। और इसके बाद मराठवाड़ा की अगर बात करें तो वहां 574 किसानों ने आत्महत्या कर ली थी। और साल 2015 की बात करें तो जनवरी से लेकर मार्च तक विदर्भ में 319 किसानों ने मौत को गले लगा लिया, आत्महत्या कर ली। वहीं मराठवाड़ा क्षेत्र की बात करें तो 215 किसानों ने अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। वहीं उत्तर प्रदेश की बात करें तो पिछले चार दिनों की ही अगर बात कर लें तो अब तक 30 किसानों ने आत्महत्या कर ली है फसलों की बर्बादी और मुआवजे के ना मिलने के चलते। और साथ ही महाराष्ट्र की बात करें तो 3 महीने में 601 किसानों ने आत्महत्या कर ली है। तो किसानों की आत्महत्याओं का जो क्रम है एक तरीके से वो बिल्कुल जारी है। अगर पिछले साल की तुलना की बात करें तो इस साल किसानों की आत्महत्या का आंकड़ा करीब 30% तक बढ़ गया है। तो ये थे किसानों की आत्महत्याओं से जुड़े कुछ फैक्ट्स जो हमने आप तक पहुंचाए कि किस तरह से किसानों की आत्महत्या जो लगातार देखने को मिल रही है। आए दिन इस तरह की खबर मिलने सुनने को आती है कि किसानों ने फसलों की तबाही के चलते आत्महत्या कर ली। इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, मुकेश हमारे साथ हैं, वो चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। धन्यवाद रचना। सबसे पहले चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले हम चलते हैं उदित राज जी के पास, बीजेपी के सांसद हैं, उनसे पूछते हैं सवाल। उदित राज जी स्वागत है आपका, वंदे मातरम में आवाज मिल रही है। उदित राज जी से अभी लगता है कुछ तकनीकी खराबी के कारण संपर्क नहीं हो पा रहा है। भाटी जी हमारे साथ मौजूद है, रविंद्र भाटी जी। रविंद्र भाटी जी, सबसे पहला सवाल आपसे कि जिस तरीके से किसान अपनी समस्या को लेकर के जो है लगातार आंदोलनरत हैं, आप भी आंदोलन करते रहे, आज भी आपने आंदोलन किया है, लेकिन एक बात यहां पे आती है कि 70% आबादी किसानों की है, फिर भी राजनीतिक रूप से काफी कमजोर एक तरह से कहें जो किसान को कह सकते, क्योंकि वोट बैंक की राजनीति में किसान कहीं अपनी एकजुटता नहीं दिखा पाते हैं और वोट बैंक की राजनीति में जो बार्गेन की शक्ति है किसानों की वो एकजुटता के कारण कहीं दिखती नहीं है। आपको क्या लगता है कहीं ना कहीं किसानों में एकजुटता की कमी है तभी राजनीतिक पार्टियां उसका फायदा उठा लेती है? एकजुटता लाया है किसी एक मिशन को लेकर चले, उनको तो सुबह उठ के अपने खेत का, अपने बच्चों के पालन पोषण का, अपनी फसल का ध्यान, उसके अलावा शायद उनका ध्यान नहीं जाता। जब चुनाव आता है जब हर पार्टी तरह तरह के प्रलोभन देकर किसान को अपनी तरफ आकर्षित करती है, और शायद यही कारण रहा कि इस बार मोदी जी के लुभावने भाषणों की वजह से किसान उधर डाइवर्ट हो गया और केंद्र में बीजेपी की सरकार बनी। लेकिन सच्चाई तो यह है मुकेश जी कि इस बार ना तो केंद्र की सरकार किसान के साथ है और ना ही भगवान उसके साथ है, क्योंकि भगवान भी साथ छोड़ देता है तो किसान पे आत्महत्या के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं रहता। बिल्कुल, देखिए आज मोदी सरकार, जरूर आप कह रहे हैं कि मोदी जी के हम बहकावे में आ गए या उनके झूठे वादे में आ गए और मोदी सरकार केंद्र में आ गई, लेकिन इससे पहले जितनी भी सरकार थी 65 साल से ज्यादा की सरकार है कांग्रेसों के रही है, और आप लगातार किसी न किसी तरीके से खासतौर पर किसानों की भूमिका उस सरकार में रही है। और जो भूमि अधिग्रहण कानून है 65 वर्ष के बाद 2013 में आकर के बना था, तो इससे पहले किसानों ने अपनी एकजुटता दिखा करके इस अधिग्रहण में लिया कोई अलग से कानून बने, जो 1894 का जो कानून था वही चलता आ रहा था, तो उसके विरोध में किसान तभी एकजुट क्यों नहीं हुए, पहली बात। दूसरी बात, 2013 में जो कांग्रेस का भूमि अधिग्रहण बिल आया था बीजेपी ने भी सहमति दिखाई थी उसको, और उसको लेकर के इस बार 2015 में फिर से लोकसभा में संशोधन पेश किया जा रहा है। किसानों के जो नेता हैं वो 2013 के जो यूपीए सरकार की बिल है उसका भी वो विरोध कर रहे हैं, जो 2015 का जो बिल है उसका भी विरोध कर रहे हैं। क्या कांग्रेस के पास, बीजेपी के पास यदि फार्मूला नहीं है तो क्या किसान संगठन के पास कोई फार्मूला है जिस फार्मूले को लेकर वो सरकार के पास जाए और कहे कि ये फार्मूला है मेरा, आप ये फार्मूला मान लो तो फिर हम आपके साथ चलने को तैयार हैं?
दरअसल 2013 का जो कांग्रेस सरकार का जो भूमि अधिग्रहण बिल था उसमें भी किसानों से सुझाव लिए गए थे, उन्होंने सुझाव दिए थे और उस टाइम के इस बिल पर बीजेपी ने भी मेजर थपथपाई थी। लेकिन पता नहीं क्या हो गया, जैसे ही बीजेपी की सरकार केंद्र में आई, जो लोग उसको सपोर्ट कर रहे थे वही लोग आनंद फानंद में उसको अध्यादेश लाकर और बिल्कुल एक अलग तरह का बिल पेश कर दिया, जबकि उसमें सहमति थी किसानों की 70% 80% सहमति ली जाएगी और 6 महीने पहले कम से कम किसानों को सूचना दी जाएगी कि आपकी जमीन अधिग्रहण होने वाली है और कोर्ट में जाने का भी अधिकार था। यदि कोई किसान संतुष्ट नहीं है अधिग्रहण से तो कोर्ट में अपील कर सकता है, लेकिन अब तो कोर्ट जाने का भी अधिकार नहीं है। उसके विपरीत क्या होता है, किसान मरने की स्थिति में कब आता है, एक तो उसका खेत अधिग्रहण हो गया, लेकिन इसकी आड़ में ये जो इस तरह का कानून है, काला कानून है, इसकी आड़ में उसका घर भी एक बार कर लिया जाता है और उसी के कारण नोएडा के अंदर भट्टा पारसोल और आपके घोड़ी बसेड़ा कांड हुआ। बिल्कुल सही बात कहनी, मैं आपको मैं बता दूं, चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए हमारे साथ लखनऊ से गेस्ट हमारे साथ जुड़ गए हैं, नावेद साहब हैं हमारे साथ, इसके अलावा दिनेश दुबे जी जो बीजेपी से, वो भी हमारे साथ जुड़ गए। आप दोनों तो मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम वंदे मातरम में। दुबे जी, क्या आवाज मिल पा रही है आपको? हाँ, सुनाई पड़ रही है, धीमी सुनाई पड़ रही है। बिल्कुल, सिद्दीकी साहब और दोनों हमारे साथ जुड़ गए हैं, अब चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। जिस तरीके से आज राहुल गांधी लोकसभा में बोल रहे थे भूमि अधिग्रहण बिल पे, आपको क्या लगता है जो आपत्तियां उठाई जा रही हैं कांग्रेस की तरफ से, वो आपत्तियां सही है या बीजेपी जो डिफेंड कर रही है, बीजेपी के डिफेंड में कुछ दम है और आपको लगता है कि एक संशोधन के बाद मिल बैठ करके पक्ष विपक्ष को किसानों के हित में कोई एक फार्मूला निकालना चाहिए ताकि इंडस्ट्री भी लगे इस देश में और किसानों का भी अहित ना हो? देखिए, राहुल जी जो बोल रहे थे, राहुल जी सरासर झूठ भ्रामक प्रचार कर रहे हैं, राहुल जी किसानों को गुमराह कर रहे हैं। किसान का कोई अगर हित किया है तो नरेंद्र भाई मोदी ने किया है। जो 2013 का चुनाव था और चुनाव के पहले इन्होंने जो भूमि अधिग्रहण बिल पास किया वह किसानों को लुभाने के लिए, किसानों के लिए हित के लिए नहीं किया, किसानों को नुकसान करने के लिए किया, किसानों की जमीन को अजगर करने के लिए इन्होंने जो कानून बनाया था उसमें कुछ किसान का फायदा नहीं होने वाला था। लेकिन जो 2017 का, 2014 का जो बिल है, 2015 का बिल जो है, वो 2014-15 का जो बिल है वो किसानों के हित में है। सिद्दीकी साहब, आप सुन रहे हैं दुबे जी, क्या दिनेश दुबे जी जो बोल रहे हैं, क्या आप दिनेश दुबे जी की बात से सहमत हैं? आपको लगता है बिल्कुल सही कर रही है बीजेपी? हेलो सिद्दीकी साहब, आप आवाज सुन पा रहे हैं हमारी? लगता है सिद्दीकी साहब हमारी आवाज नहीं पड़ रही। रविंद्र भाटी जी से हम बात करेंगे। रविंद्र भाटी, जिस तरीके से दिनेश दुबे जी बोल रहे थे, क्या आप सहमत हैं उनकी बात से? मैं दुबे जी की बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूं। ये टोटल का टोटल जो भूमि अधिग्रहण अध्यादेश आया है ये टोटल किसान विरोधी है। इसमें किसानों की हित की मुझे बता दीजिए ना, कौन सी बात है? आपकी जमीन, आपकी माता है, उसके बारे में आपसे पूछा भी नहीं जा रहा अगर अधिग्रहण की जाएगी, क्या रेट दिया जाएगा और उसमें यदि कोई संतुष्ट नहीं है तो जाने का भी ये तो अभी तय नहीं। जब जिस दिन आपका जमीन आप अधिग्रहित की जाएगी, आपकी जमीन, उस दिन आपको रेट भी बता दिया जाएगा, उस दिन बाकी जो आपकी इंक्वायरी वो क्वेरीज है वो भी आपको बता दिया जाएगा। अभी तो ये बिल और विधेयक के फॉर्मेट में है, अभी ये कानून नहीं बना है, अभी लोकसभा में पेश हुआ है, लोकसभा में पास होने के बाद ये राज्यसभा में पास होने की भी स्थिति नहीं है और उसके लिए सहमति बनाने की कोशिश की जा रही है और संशोधन इसीलिए मंगवाए भी जा रहे हैं। एक चीज जो आपने कही कि किसानों के हित में नहीं किया जा रहा है, जो मोदी जी ने कल सफाई दी थी इस बिल को लेकर के, काफी लोग आपत्ति कर रहे हैं, आपत्तियां उन तक भी पहुंच रही हैं और उन्होंने जो सफाई दी थी शायद उसको वो आपको मैं एक बार बता दूं, थोड़ा ब्रीफ कर दूं आपको। उन्होंने कहा कि सबसे पहले जो है ये जो जमीन है वो जमीन ली जाएगी, सरकारी जमीन ली जाएगी, किसानों की जमीन नहीं ली जाएगी। दूसरी बात, जब सरकारी जमीन खत्म हो जाएगा तो फिर जो बंजर लैंड है, जो बंजर भूमि है, बंजर भूमि को अधिग्रहित किया जाएगा, उसके बाद भी अगर जरूरत पड़ी तब किसानों के जो जमीन है उसको अधिग्रहित करने की कोशिश की जाएगी, जो कृषि योग्य भूमि है उसको अधिग्रहित करने की
कोशिश की जाएगी, यानी जो संभावना है वो काफी कम है। आप कहें जो 0.2% से भी कम संभावना है कि किसानों के एग्रीकल्चर लैंड को सरकार जो है अधिग्रहित करेगी इंडस्ट्री को डेवलप करने के लिए। तो सबसे पहले जो चीज सामने है उसको देख करके नहीं लगता है कि सरकार किसानों के हित में काम नहीं कर रही है और किसानों की जमीन हड़प रही है। जिस तरीके का विरोध हो रहा है, मैंने बहुत सारे नेताओं से भी बात करी आज दिन में फोन पे, किसान नेताओं से, उनको भूमि बिल के बारे में ना तो 2013 के यूपीए के बिल के बारे में पता है और ना ही 2015 के बिल के बारे में पता है। आप जैसे नेता विरोध करने के लिए जब सड़क पे आते हैं तो आपके साथ फॉलोअर बनके चले जरूर आते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता होता है कि आखिर विरोध हम किस बात का कर रहे हैं। भाटी जी, आप क्या आप एक चीज आप साफ कर पाएंगे कि जब आपके फॉलोअर आपके साथ सड़कों पर उतरते हैं तो उनको आप पहले से ब्रीफ करते हैं कि हम किस मुद्दे पर इस पॉइंट पे जाकर के सरकार का विरोध कर रहे हैं और इसीलिए हम आपको अपने साथ धरना प्रदर्शन पर ले जा रहे हैं? बिल्कुल उमेश जी, हम जब भी आज हमने धरना प्रदर्शन किया इस भूमि अधिग्रहण अध्यादेश के खिलाफ, उससे पहले एक महीने गांव जा जाकर लोगों की बातें सुनी, उनको समझाया और उन्होंने भी हमें बताया, ये किसानों ने बताया, आप गांव का दौरा करें और ऑफिसों में बैठ के या उसमें एसी रूम में बैठ के या कॉर्पोरेट कंपनियों में बैठ के किसानों की समस्या को पता नहीं चल पाए। अगर सरकार गांव में अगर पहले सरकार अपनी भूमि को अधिग्रहित करके इंडस्ट्री को देती है किसानों को क्या? एनसीआर में कृषि भूमि है टोटल बंजर भूमि, मुझे आप मेरे साथ चलिए मुझे बता दीजिए कितनी। एनसीआर में तो पहले लगाने ही नहीं जा रही है, वो जहां जितने हो गए उतने, आप तो ये तो दूसरे राज्यों की बात कर रहा हूं मैं, आप जहां विरोध कर रहे हैं वहां तो कोई प्रपोजल भी सरकार का नहीं है। आप बताइए नोएडा में कौन सा प्रपोजल सरकार का है जो करने के लिए जा रही है, कौन सा बताइए? कोई अभी तो प्रपोजल अभी तो मिली नहीं, प्रपोजल कहां से आएगा? नहीं है, डायरेक्ट रजिस्ट्री कर रहे हैं बैका बैका किसानों। नहीं नहीं नहीं, ये चीज आपको बताता हूँ, ये अफवाहें हैं जो कि फैलाई जा रही हैं। अभी कोई इंडस्ट्री भी नहीं आया है भाटी साहब, मैं आपसे कोई ऐसा नहीं कि मैं पक्ष लेके बोल रहा हूँ, कोई ऐसा प्रपोजल भी नहीं है सरकार के पास कि हम यहाँ पर इंडस्ट्री खड़ी करने जा रहे हैं और यहाँ मुझे जमीन चाहिए, कोई भी नहीं। अगर कोई इस तरीके की बात कर रहा है, लेकिन तो मैं आपको विद सबूत मैं आपको बता दूंगा, 3500 रुपए मीटर के हिसाब से डायरेक्ट रजिस्ट्री ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण कर रहा है। कोई प्राइवेट व्यक्ति या अधिकार का वो दूसरे रीजन भी उसके हो सकते हैं, लेकिन इस अधिग्रहण का जो अधिग्रहण आप बता रहे हैं उसका इस इंडस्ट्री डेवलपमेंट से सरकार से मुझे लगता है कि कोई मतलब नहीं। अब लगता है हमारे साथ जो दूसरे गेस्ट हैं उदित राज जी शायद हमारे साथ जुड़ गए हैं, क्या पीसीआर हमें कंफर्म करेगा? अच्छा, सिद्दीकी जी हमारे साथ जुड़ गए। सिद्दीकी जी स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम वंदे मातरम में। सिद्दीकी जी आवाज मिल पा रही है आपको? लगता है सिद्दीकी जी से संपर्क नहीं हो पा रहा, भाटी जी से ही हम आगे बढ़ाते हैं इस प्रोग्राम को। और पीसीआर को मैं ये भी कहूंगा, जरा कांग्रेस नेताओं को भी फोन लगाए, आज उनके नेता काफी लोकसभा टीवी पर चमक रहे थे। भाटी जी बताएं, जिस तरीके से 2013 और 2015 ये दोनों जो बिल हैं, मूल रूप से क्या आपको बताएं इसमें क्या क्या अंतर है? हमारे पास एक समझाने के लिए ग्राफिक्स में पहले हम वो पीसीआर को बताएंगे कि वो ग्राफिक्स वाला पैकेज दिखा दें हमारे दर्शकों को कि 2013 के यूपीए के भूमि अधिग्रहण बिल और 2015 के बीजेपी का जो ये भूमि अधिग्रहण बिल है उसमें क्या अंतर है। एक पैकेज एक रिपोर्ट पहले देख लेते हैं, उसके बाद भाटी जी के साथ हम इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे। देश के अन्नदाता माने जाने वाले किसान बेबस हैं और शायद बदकिस्मत भी हैं, क्योंकि एक तरफ जहां इनकी फसलें तबाह हो गई हैं तो वहीं दूसरी ओर देश में किसानों की आत्महत्या का ग्राफ भी दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। इधर भूमि अधिग्रहण बिल को लेकर सड़क से लेकर संसद तक कोहराम मचा है। सरकार के बदलते ही बदल गया भूमि अधिग्रहण का कानून। आइए आपको बताते हैं कि यूपीए सरकार के भूमि अधिग्रहण कानून और मोदी सरकार के भूमि अध्यादेश में क्या अंतर है। 2013 में आया यूपीए सरकार का भूमि अधिग्रहण कानून, भारत में 2013 कानून के पास होने तक भूमि अधिग्रहण का काम 1984 में बने कानून के दायरे में होता था। ये कानून जबरन जमीन लिए जाने की स्थिति को रोकने में मददगार था। गांव की जमीन अधिग्रहित करनी है तो गांव के 70% किसानों की सहमति जरूरी थी। 5 वर्ष तक भूमि पर कोई भी काम न होने पर भूमि वापसी का प्रावधान था। 2013 में बने भूमि अधिग्रहण कानून के तहत सिर्फ बंजर भूमि का ही अधिग्रहण किया जा सकता था। भूमि अधिग्रहण के खिलाफ किसान कोर्ट जा सकते थे, कोई भी कानूनी कार्रवाई कर सकते थे। मोदी सरकार का भूमि अधिग्रहण अध्यादेश, सरकार ने 2014 में अध्यादेश बनाया जिसमें 2013 के कानून व्यवस्था को बदलते हुए किसान विरोधी निर्णय लिया गया। नए कानून के तहत
जमीन अधिग्रहण के लिए किसानों की सहमति जरूरी नहीं है। मोदी सरकार की अध्यादेश में उपजाऊ एवं सिंचित भूमि का भी अधिग्रहण किया जाएगा। इस नए कानून में किसान भूमि अधिग्रहण के खिलाफ कोर्ट नहीं जा सकते, यानी किसान की सुनवाई अब अदालत में भी नहीं होगी। तो देखा आपने कितना अंतर है दोनों सरकारों के भूमि अधिग्रहण में। और आइए अब आपको बताते हैं कि आखिर क्या है विवाद जिसको लेकर किसानों में रोष है, तो वही राजनीति भी गर्म है। क्या है विवाद? सरकार निजी कंपनियों के लिए भूमि का अधिग्रहण करती है तो उसे 80% प्रभावित परिवारों की सहमति लेनी होगी, तो वहीं दूसरी ओर मोदी सरकार के भूमि अध्यादेश में हर हाल में भूमि अधिग्रहण किया जाना चाहिए। 5 साल के भीतर जमीन का इस्तेमाल नहीं हुआ तो जमीन वापस कर दी जाएगी, तो वहीं दूसरी ओर मोदी सरकार के भूमि अध्यादेश में भूमि के इस्तेमाल न होने पर भूमि की वापसी नहीं, इस मामले को कोर्ट ले जाने की आजादी थी, तो वहीं दूसरी ओर मोदी सरकार के भूमि अध्यादेश में बिना सरकार की इजाजत के कोर्ट जाने की आजादी नहीं। यूपीए सरकार के कानून में बंजर भूमि लेने का प्रावधान था, तो वहीं दूसरी ओर मोदी सरकार के अध्यादेश में उपजाऊ भूमि का भी अधिग्रहण किया जाएगा। भूमि के बदले किसानों को सही मुआवजा दिया जाए, तो वहीं दूसरी ओर मोदी सरकार के भूमि अध्यादेश में मुआवजे का कोई बदलाव नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, साधना न्यूज। तरह का अंतर है 2013 के बिल में और जो अध्यादेश अब सरकार लेकर आई है उसके बीच में। और आपको बता दें कि इस वक्त जिस तरीके से हम लोग चर्चा कर रहे हैं उसमें उस चर्चा में शामिल होने के लिए हमारे साथ उत्तर प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री नावेद सिद्दीकी जी हमारे साथ चर्चा में मौजूद हैं। नावेद सिद्दीकी जी, क्या आपको हमारी आवाज मिल पा रही है? नावेद सिद्दीकी जी, क्या आप मेरी आवाज को सुन पा रहे हैं? लगता है हमारा तकनीकी खराबी के कारण नहीं पहुंच पा रही है आवाज। और आइए आपको सुना देते हैं आज मुलायम सिंह यादव ने क्या कुछ कहा इस पूरे मुद्दे पर। ये किसान आधारित देश है और ये जमीन घटती ही वैसे ही किसानों की 30% पूरे देश की हिंदुस्तान की जमीन घटती है। बेरोजगारों को रोजगार देगा और क्या क्या करेगा, उद्योग क्या क्या लगाएगा, कहाँ कहाँ लगाएगा। ये किसान वाला मुद्दा देश का मुद्दा है, किसी पार्टी का सवाल नहीं है, सवाल है देश का। देश को कहाँ ले जा रहे, देश को भूखो मारेंगे आ नहीं 50 साल बाद। आपने समाजवादी पार्टी के मुखिया मुलायम सिंह यादव ने क्या कुछ कहा और आइए आपको अब सुनवा देते हैं मीनाक्षी लेखी का क्या कुछ कहना है इस पूरे मुद्दे पर। मीनाक्षी लेखी की जो उनका कहना है, बयान जो उन्होंने दिया है उसको भी हम आपको सुनाएंगे, लेकिन उससे पहले सुन लेते हैं राज्यवर्धन सिंह राठौर का क्या कुछ कहना है इस पूरे मसले पर। हर युवा का एस्पिरेशन है कुछ करने का, वहां तक रोजगार कैसे ले जाया जाए, वहां तक डेवलपमेंट कैसे ले जाया जाए, ये तभी संभव है जब वहां पर उद्योग आ सकेंगे, जब वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा हो सकेगा। और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जमीन चाहिए होती है, खेती के लिए भी जमीन चाहिए होती है, पानी के लिए जमीन चाहिए होती है। इन सबसे लाभ किसानों को होगा, उनके परिवारों को। तो सुना आपने राठौर जी का क्या कह रहा है और आइए अब आपको सुनवाते हैं मीनाक्षी लेखी का क्या कुछ कह रहा है इस पूरे मसले पर। बिल्कुल गलत बेबयानी है, जिस तरीके की बेबयानी इन्होंने संसद में की वैसी ही बेबयानी बाहर आकर भी की। जो ये बाल की खाल निकालने में लगे हुए हैं, तो 900 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली वाले जो उक्ति है उसको भी इस्तेमाल किया गया, क्योंकि सबसे अधिक किसान जो है खेतीहर मजदूर इनके समय काल में बना। इनके समय काल में जो पैसा गया किसान के लिए वो किसान तक पहुंचा नहीं, बल्कि तमाम पैसे के जितने घपले घोटाले थे वो हुए। तो सुना आपने मीनाक्षी लेखी का क्या कुछ कहना है और आपको सीधे चलते हैं लखनऊ जहां दिनेश दुबे जी हमारे साथ मौजूद है इस पूरी चर्चा में शामिल
हैं वो हमारे साथ और चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। दिनेश, जिस तरीके से आप सुन रहे थे मुलायम सिंह यादव ने क्या कुछ कहा, राज्यवर्धन सिंह राठौर ने क्या कुछ कहा, क्या लगता है आपको कि जिस तरह से, हालांकि बीजेपी सरकार की अगर बात की जाए तो लगातार कह रही कि ये जो अधिग्रहण बिल है, वो अध्यादेश है, वो पूरी तरीके से किसानों के हित में है, लेकिन बावजूद इसके कोई भी प्रदर्शन नहीं रुक रहा है, हर तरफ त्राही त्राही मची है किसानों में इस भूमि अधिग्रहण बिल को लेकर, फिर आपका क्या कहना है इस पूरे मसले पर? जैसे मुलायम सिंह जो बात कर रहे हैं, इन्होंने आगरा एक्सप्रेस हाईवे पे किसानों की कौड़ियों के भाव जमीन खरीदी है, ये क्या बोलेंगे? ये तो किसानों के नेता कहे जाते हैं, मानते हैं अपने आप को, लेकिन किसानों का इन्होंने अधिकार करते समय दिन कौड़ियों के भाव जमीन खरीदा है, तो ये किसानों के इंटरेस्ट हो ही नहीं सकते हैं। मैं कहना चाहता हूँ कि मोदी जी ने जो यह बिल अधिकार बिल पास किया है, यह किसानों के हित में है, और 2013 का जो बिल था वह किसानों के हित में नहीं था, और किसानों का यह जो बिल है पूरी तरह से किसानों के हित में है, और किसान के बच्चों को रोजगार मिलने वाला है, किसान को 4 गुना कीमत इसके मुआवजे के साथ मिलेगी। लेकिन दिनेश जी मैं मानती हूँ कि आप ये कह रहे हैं, लेकिन इस बात से बिल्कुल इनकार नहीं किया जा सकता कि किसानों में ये इस बात का भी रोष है कि पहले किसान कोर्ट का सहारा ले सकते थे, लेकिन अब ना तो वो कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं और ना ही किसी तरह के इंसाफ की मांग कर सकते हैं। क्या आपको नहीं लगता कि ये गलत है? देखिए, मैं कहना चाहता हूँ कि संशोधन में ये भी बात आई है, कोई भी किसान कोर्ट जा सकता है, किसान को जाने के लिए कोई रोक नहीं है। ये जो राहुल गांधी प्रचार कर रहे हैं और जो विरोधी पार्टियां हैं, जो किसान विरोधी वो प्रचार कर रही है, लेकिन मोदी जी ने कहा कोई किसान जाना चाहता है तो कोर्ट जा सकता है। दिनेश जी, बिल्कुल हम सुन रहे हैं आपकी बात को और आप जो कह रहे हैं उससे सहमत भी है, लेकिन क्या आपको लगता है जो बात आप, दिनेश जी आपकी बात से हम सहमत हैं कि किसान खिलाफ भी जा सकते हैं, कोर्ट में जा सकते हैं अपनी मांगे, जमीन नहीं देना चाहते हैं तो नहीं भी दे सकते हैं, लेकिन किसानों के बीच ये मैसेज नहीं गया है, ये आप जानते हैं, आपके नेता जानते हैं, आपके मंत्री जानते हैं, लेकिन किसान जो है, किसान इस बात को नहीं जानते हैं, इसीलिए आंदोलन करने के लिए सड़क पे उतर गए। क्या आपको नहीं लगता कि पार्टी के स्तर पे मोदी जी जिस तरीके से संदेश दे रहे हैं, जिस दिन कांग्रेस ने अपनी यहाँ पर आंदोलन किया था और जिस दिन सभाएं की थी किसानों के साथ मिलकर, उसी दिन मोदी जी ने भी अपने सांसदों को संबोधित किया था और इस बिल के बारे में बताया था और ये सोच के बताया था कि इस बिल में जो विरोध किए जा रहे हैं विपक्ष की तरफ से, उसकी सफाई हमारे नेता किसानों तक या जनता तक पहुंचाएंगे, लेकिन आप लोग कहीं ना कहीं इस कनेक्ट को स्थापित करने में असफल रहे, जिसकी वजह से जो है विरोध इतना ज्यादा होता जा रहा है। क्या आपको लगता है कि बीजेपी के नेता, बीजेपी के कार्यकर्ता जो ऊपर से संदेश आ रहा है उसको नीचे तक कन्वे करने में कहीं ना कहीं असफल रहे हैं, तभी ये इतना कायोस जो है वो निकल करके आ रहा है? मुकेश जी मैं कहना चाहता हूँ कि जो है जो हमारा कार्यक्रम आने वाला है जनसंपर्क के माध्यम से, हम किसान के बीच में जाने वाले हैं, किसान पंचायत लगाएंगे, ये जो राहुल यादव झूठा प्रचार कर रहे हैं, ठीक है आप जाएंगे दिनेश जी, आप जाएंगे इसका मतलब अभी तक गए नहीं है, जो हम कह रहे थे वो आपने कह दिया। बिल्कुल हमारे साथ कांग्रेस के नेता ज्योति सिंह जी हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पे। ज्योति जी, आपका स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम वंदे मातरम में। जी नमस्कार। हाँ ज्योति जी, बताएं जिस तरीके से आज आपके नेता काफी लंबी छुट्टी के बाद काफी आक्रोशित दिखे और काफी अटैकिंग मूड में दिखे और इस भूमि अधिग्रहण बिल पे लेकर के उन्होंने काफी कुछ कहा है, आप निश्चित तौर पे जो बीजेपी कांग्रेस का जो कार्यकर्ता था, जो आप जैसे नेता थे, वो जो बुझे से थे, शायद आज कुछ चार्ज हुए होंगे उनके बयान से। क्या आपको लगता है जो जिस तरीके से राहुल जी लौट के आए हैं, आप लोगों में नई ऊर्जा का संचार हो रहा है, ये बिल पे लेकर के विरोध का जो स्तर है वो कहां तक लेकर के जा रहे हैं आप? आपको मुकेश जी, पहले तो मैं एक बात मैं बताना चाहता हूँ, जिस आप शब्द का उपयोग कर रहे हैं आक्रोश का, वो आक्रोश राहुल गांधी जी का, वो किसानों का आक्रोश है, जो हर नेता अपने आम जनता की आवाज को सुनता है और उस आक्रोश, जिस आक्रोश की बात कर रहे हैं, वो आक्रोश तो किसानों का है। अभी मैं किसी भारतीय जनता पार्टी किसी जो जो साहब बात कर रहे थे, मैं 2-3 बातें बहुत जो इस कैटेगोरिकली कहना चाहता हूँ। आप देखें,
जब ये प्रधानमंत्री जी जब बात करते हैं वो कहते हैं कि एक लाख हेक्टेयर के बारे में बात करते हैं नुकसान हुआ, और जो आंकड़े आ रहे हैं वो 1,80,000 हेक्टेयर नुकसान हुआ। अब मैं प्रधानमंत्री जी की बात माने, कांग्रेस पार्टी या किसान माने, या फिर जो आंकड़े, ज्योति जी ये तो आप अपने राहुल गांधी की बात को दोहरा रहे हैं यहाँ पर। इसकी सफाई जो है लोकसभा में कृषि मंत्री दे चुके हैं ऑलरेडी, बात कर रहे हैं ये, इसकी सफाई तो ऑलरेडी दे चुके हैं आप, वो भी सुने होंगे, इसकी सफाई दी जा चुकी है। मुकेश जी मेरी बात तो आप सुन ले, मेरी बात सुन ले, आप भारतीय जनता पार्टी की बात सुनते रहते हैं। ज्योति सिंह जी आपको रोकना चाहूंगी। इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष नरेश टिकैत जी। नरेश जी स्वागत है आपका वंदे मातरम में। नरेश जी जिस तरह से हम लोग इस चर्चा को आगे बढ़ा रहे हैं और आप देख रहे हैं कि भूमि अधिग्रहण अध्यादेश का चारों तरफ विरोध किया जा रहा है, जो ये अगर बात करें मोदी सरकार के अध्यादेश की, तो कितने सहमत हैं आप इससे?